अक्सर मुझसे एस्पिरेंट्स पूछते हैं कि नेशनल डिफेंस एकेडमी में क्या फॉरेन कैंडिडेट्स को ट्रेन किया जाता है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, नमस्कार, स्वागत है आप सबका त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। आज मैं अभिनव मेहरोत्रा आपको बताऊंगा कि क्यों फॉरेन कैंडिडेट्स को नेशनल डिफेंस एकेडमी जैसे प्रीमियम संस्था में ट्रेन किया जाता है। डिफेंस एस्पिरेंट्स, कुछ भी रिश्ते बनाने के लिए एक दूसरे के लिए करना बहुत ज़रूरी है, और अपना देश भारत फ्रेंडली कंट्रीज़ के लिए बाइलैटरल रिलेशनशिप इम्प्रूव करने के लिए अलग अलग एक्सचेंज प्रोग्राम चलाता है। कुछ सिविल में इसको यूथ एक्सचेंज प्रोग्राम कहते हैं, जहां हमारे बच्चे वहां जाके पढ़ते हैं, उनके बच्चे दूसरे देश के बच्चे हमारे देश में आके पढ़ते हैं। उसी प्रकार से डिफेंस एक्सचेंज प्रोग्राम भी चलते हैं, जहाँ फॉरेन कंट्रीज़ के कैंडिडेट्स अपने देश में आके ट्रेन होते हैं। जब नेशनल डिफेंस एकेडमी बनी थी तो वो दुनिया की एकमात्र ऐसी ट्राई सर्विसेज एकेडमी थी, जहां आर्मी, एयरफोर्स एंड नेवी के कैडेट्स को एक साथ ट्रेन किया जाता था। डिफेंस एस्पिरेंट्स, मैं आपको बता दूं, उन दिनों जैसे ही देश आजाद हुआ था, बहुत सारे कंट्रीज को इंडिपेंडेंस मिली थी और सब लोग डिफेंस एक्सचेंज प्रोग्राम चला रहे थे। उसके तहत 28 ऐसी कंट्रीज हैं जिसके कैंडिडेट्स नेशनल डिफेंस एकेडमी में आके ट्रेन हुए हैं। ये गिनती का जो फिगर है 28, मुझे ऐसे पता है कि नेशनल डिफेंस एकेडमी के जो कैडेट्स का मेस होता है, वहां पे 28 अलग अलग देशों के झंडे फहराए गए हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, ये झंडे फहराने से मतलब है टेबल पे डिस्प्लेड है, जो डिपिक्ट करते हैं कि 28 देशों के कैंडिडेट्स एनडीए जैसी प्रीमियम संस्था में आके ट्रेन हुए हैं। इनमें से कुछ देश हैं अफगानिस्तान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका, मलेशिया, सेशेल्स, मालदीव्स, नाइजीरिया, केनिया, लिबिया, वियतनाम, युगांडा, तंजानिया, उज़्बेकिस्तान। डिफेंस एस्पिरेंट्स, सूडान भी उसी में से एक कंट्री है। तो अगली बार अगर आपके दिमाग में एक सवाल उठता है कि कहाँ तो हिंदुस्तानियों के लिए, हमारे बच्चों के लिए 440, 442 सीटें हैं, और कहाँ बाकी देश के कैंडिडेट्स भी यहाँ पे आ रहे हैं, तो बाकी देश के कैंडिडेट्स आ रहे हैं रिलेशनशिप को और इम्प्रूव करने के लिए, डिफेंस टाइज को और इम्प्रूव करने के लिए। इसीलिए 442 सीट्स, लगभग 442 सीट्स हमारे हिंदुस्तान इंडियंस के लिए रिजर्व्ड हैं और बाकी बाहर की कंट्री के लिए रिजर्व्ड हैं। हर साल हर 6 महीने में ये फिगर बढ़ता है। आज से कुछ साल पहले यही नेशनल डिफेंस एकेडमी में 275 सीटें होती थी, क्योंकि सेशन साल में 2 बार होता है, जनवरी और जुलाई में, तो 275 हुआ करती थी। अभी 419 सीटें हैं। डिफेंस एस्पिरेंट्स, जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।